राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी मटर पनीर की सब्ज़ी लेकर के आई हूँ। तो आप लोग ज़रूर से इस रेसिपी को देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है एकदम ईजी तरीके से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पनीर ले लिया है। तो पनीर को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े बड़े पीसेस भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के पनीर कट कर रही हूँ टुकड़ों में। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पनीर को अच्छे से कट कर लिया, अब इसे एक प्लेट में रख देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे ढेर सारा प्याज लिया है और यहाँ पे सारे प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे जितना आपको तीखा पसंद हो ना, उस हिसाब से आप यहाँ पे मिर्ची ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर लिया, तो मैंने टमाटर यहाँ पे चार बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं एक मिक्सर का जार ले रही हूँ, उसमें मैंने करीब एक कटोरी के आसपास यहाँ पे लहसुन ऐड किया। साथ ही यहाँ पे एक इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पेस्ट बना करके रेडी कर लेंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर को अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को चढ़ा दी, उसमें मसाले का तेल ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, दो टू मीडियम फ्लेम में रख करके अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी पनीर अच्छे से फ्राई हो गई। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ऐड किया है। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे प्याज और मिर्ची को ऐड किया था और अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसे भी अच्छे से लो फ्लेम में भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, साथ ही आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, आधे छोटे चम्मच धनिया पाउडर, आधे छोटे चम्मच यहाँ पे गरम मसाला ऐड करें, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दिया है और यहाँ पे मसालों को जितने अच्छे से भूनेंगे ना, आपकी ग्रेवी उतनी ज़्यादा गाढ़ी होगी। इसके बाद ही मैंने यहाँ पे फ्रोजन मटर ऐड किया है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे भून। उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया और इसे अच्छे से उबाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पनीर ऐड कर देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ढक करके इसे अच्छे से, जब तक हमारी ग्रेवी उबल ना जाए तब तक यहाँ पे हम इसे उबाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार हुई है, एकदम थिक भी बनी हुई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ग्रेटर लिया, उसमें लास्ट में थोड़ा सा पनीर मैंने कद्दूकस करके ऐड कर दिया। इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो ज़रूर से ऐड करिएगा। और इसे देखिए यहाँ पे हमारी मटर पनीर बनकर के तैयार हो गई है, काफ़ी टेस्टी दिख रही है। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।